किसी राइटर ने, रूसो नाम के किसी व्यक्ति ने, तो लोगों ने उसको पागल घोषित कर दिया। आज पूरी दुनिया लोकतंत्र में जी रही है, ये बात अलग है, लेकिन जब लिखा था तो लोगों ने कहा कि ये क्या लिख दिया, डेमोक्रेसी क्या होता है, ये तो डोमिनोक्रेसी होता है, राजा का राज, ये प्रजा का राज क्या होता है, प्रजातंत्र भी कुछ होता है क्या? लोगों ने कहा कि लगता है तुम्हारा दिमाग पागल हो गया। उसने कहा इसे समय पर छोड़ दो कि दिमाग मेरा पागल है या और किसी का। उसने कहा लेट द टाइम कम, फैसला अपने आप हो जाएगा। अभी द डेमोक्रेसी की मैन्युस्क्रिप्ट बीच में बेची गई, बहुत महंगी बिकी, इतनी उसकी पॉपुलरिटी, जो नहीं जानता रूसो का नाम वो भी लोकतंत्र में जी रहा है। आज दुनिया के मोर देन 90% कंट्रीज लोकतांत्रिक हैं, डेमोक्रेसी में जी रहे हैं और उसकी बुक अपने आप इंप्लीमेंटेड है। सही बात के लिए क्रांति नहीं करनी पड़ती, लोकतंत्र के लिए क्रांति नहीं करनी पड़ती। आप जितनी अच्छी बात, ऊंचे दर्जे की बात लाएंगे वो सेल्फ इंप्लीमेंटेबल होती है। हमने 111 प्रस्ताव, 111 एक्चुअली प्रपोजल्स आर देयर टू इंप्लीमेंट द जस्टिस इन सोसाइटी एंड नेशन। न्याय हम सभा ने 111 प्रस्ताव दिए और कहा कि इसको एक एक करके इंप्लीमेंट कर लो, जैसे जैसे करोगे वैसे वैसे देश की समस्त समस्याएं गायब हो जाएंगी। ऐसे ऐसे प्रस्ताव है उसमें कि शाम को लागू करिए और सुबह 100% गरीबी समाप्त मिलेगी। एक दिन में शाम को एक प्रस्ताव लागू करिए, अगले दिन एक भी बेरोजगार नहीं पकड़ा जाएगा। नेता भी पढ़ पढ़ के परेशान है, इसे हम पढ़वा रहे हैं, बीजेपी पढ़ेगी। आप इसे जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे, और इतने सरल हैं क्योंकि सही बातें सरल होती हैं, गलत बातें कठिन होती हैं। आप कई हजार साल से गरीबी भुगत रहे हैं, पूरा कंट्री आज भी 77% नागरिक, सरकारी आंकड़ा कह रहा है, 20 रुपए से नीचे पे गुजारा करता है। 77% ऑफ अवर सिटीजन 20 रुपए से नीचे, मतलब 2 जून की रोटी का इंतजाम नहीं उसके पास। 77% इतनी गरीबी इस देश में, ये कहां से आई? सवाल ये है कि व्यवस्था जहां कमजोर होती है वहां पे दरिद्रता, भुखमरी, गरीबी, चोरी, डकैती, अशिक्षा, ये सभी चीजें शुरू हो जाती हैं। जब 2012 में अन्ना हजारे जी धरने पर बैठे थे केजरीवाल एंड कंपनी के साथ, तो हमने उनको एक लेटर लिखा और मंच पर ही भेजा और कहा कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चलाने से भ्रष्टाचार कैसे समाप्त हो जाएगा, कोई एक आध कारण बताएं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे इस हाल में अंधेरा हो और हम सभी लोग यहां धरने पर बैठ जाएं अंधकार उन्मूलन के लिए, अंधेरा हटाओ का नारा लगाएं, सभी लोग खूब पूरी ताकत से लगाएं, अंधेरा हटाओ, अंधेरा हटाओ। अरे बटन तो दबाओ। नहीं, वो कैसे करें, प्रकाश जलाओ पे काम नहीं करना। अगर प्रकाश जलाओ पे काम किया तो एक सेकंड भी नहीं लगेगा। अब आप उठे खट से, आपने बटन दबा दी, नहीं बैठो, धरना दो, हड़ताल करो, नारा लगाओ,
विरोध करो, सड़कें तोड़ो, ट्रेन चलाओ, बस फूको, बिल्डिंगें धराशायी कर दो, संसद घेर लो, तिहाड़ जेल घेर लो, सब करो, लेकिन कभी वो वाला काम ना करना जिससे ठीक है बटन कौन दबाएगा, दिक्कत नहीं, नहीं उसकी, आप तो बटन की चर्चा करके ही सब बिगाड़ देंगे, सब खत्म हो जाएगा हम तो सर बटन की नहीं, दिया जलाने की बात मत करो, दिया बत्ती तेल माचिस प्रकाश बिजली और बटन ये सब क्या होता है, बल्ब एलईडी और ये नहीं, नहीं ये सब चर्चा नहीं, सिर्फ अंधेरा हटाओ, आंदोलन चलाओ, और इस पे